सबसे पहले नमस्ते नमस्कार 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 वणकम प्रणाम खंबा खड़ी सस्रियाकाल अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स दिस इज योर फ्रेंड कमेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल मेरा सपना मेरा अपना जीबी इन्फो टाइम। फ्रेंड्स, today we are going to discuss very important topic, that is corporate law. So just grab it and blaze it. Friends, corporate law ko janne se pehle hame ek cheez jana bahut zaruri hai aur wo hai law. अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें लॉ के बारे में कुछ जानकारी है? सुना तो बहुत बार है, लेकिन क्या वाकई में हमें उसके बारे में एक सही नॉलेज है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट लॉ को जानेंगे। चलिए, लॉ कुछ और नहीं, अगर मैं लॉ के लैंग्वेज में कहूं तो वो है सेट ऑफ रूल्स विच इज एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। कुछ अथॉरिटीज होती है, उन्हें पावर दिया गया है, उनकी ड्यूटीज होती है कि वो सोसाइटी में कंट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करें, दैट मींस रेगुलेट करें किन्हें पीपल को, पीपल के बिहेवियर को, उनके एक्ट को। अब ये डिसिप्लिन मेंटेन करने से क्या होगा? अरे भैया, जब घर में डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो घर भी शांत रहता है। तो वैसे ही डियर, जब सोसाइटी में समाज में कंट्री में डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो हमारी लाइफस्टाइल भी शांतिपूर्वक जाएगी, पीसफुल लिविंग होगी। और जब लाइफ एकदम पीसफुल होगी तो डेफिनेटली डियर, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये बेसिक फंडा है लॉ का। अब ये जो बात मैंने कही, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो हमारी डेली लाइफ में चलती आ रही है, दैट इज ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक रूल्स। डियर, ट्रैफिक रूल्स है क्या? सिंपल सी बात है, जब भी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो तीन बत्ती तो हमें सामने दिखाई देती है, दैट इज ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन मींस वॉक, येलो मींस कॉशन एंड रेड मींस स्टॉप, आपको रुक जाना है। अब ये जो ट्रैफिक लाइट रूल बने हुए हैं वो क्यों बने? सिंपल सी बात है, किसी चीज को अवॉइड करने के लिए। क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, आपस में होने वाली फाइट्स को स्टॉप कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डियर, टाइम सेव कर सकते हैं। और यही कारण की वजह से ये रूल बने हुए हैं, इन अथॉरिटीज ने जो है ये रूल बनाया है ताकि सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब लॉ तो बना है, लेकिन लॉ में डियर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जो एक स्टेटमेंट जो है लॉ में दिया गया है, और वो ये है, आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं आपको बताता हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ignorance of law is no excuse. अब ये क्या है? अब आप कहेंगे ये क्या है? इस बात को वापस समझाने के लिए मैं यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं ताकि आपके दिमाग में जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान के चलिए मैं गाड़ी चला रहा हूं और होता क्या है, आगे जाकर येलो सिग्नल मुझे दिखाई दिया और जैसे ही मैं उसके पास आने लगा तब तक जो है रेड सिग्नल आ गया और मैं आगे बढ़ गया, दैट मीन्स मैंने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया। अब सामने से ट्रैफिक भैया आ गए, उन्होंने कहा भैया गाड़ी रोको, ऐसे कैसे तुम बाहर जा सकते हो, दिखाई नहीं दिया, रेड सिग्नल है, चलो साइड लगाओ गाड़ी, फाइन भरो। अब मैं उसको एक्सक्यूज दे रहा हूं, बोल रहा हूं सर ऐसा है, ये सिग्नल्स के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूं और मुझे समझ में नहीं आया, बस चल पड़ा, गाड़ी चल रही थी, चल पड़ा आगे। तो इस पे वो सिर्फ इतना ही जवाब देगा, बोलेगा भाई साहब ऐसा है, लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि तुम गाड़ी रोड में चला रहे हो, ड्राइवर हो, और ड्राइवर को ट्रैफिक लाइट के रूल्स पता होने चाहिए। अब आपको पता है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन लॉ तो यही कहता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने लॉ को इग्नोर किया है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो डियर, फाइनली ऐसा हुआ है कि इस केस में बंदे को, मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एट द एंड ये लॉ क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है,
कि ये जो सेट है, रूल्स के जो सेट है जो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किए हैं, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो कंक्लूजन यही बनता है कि हमें लॉ का और उसके इंपॉर्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो ये थी लॉ के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत काम की चीज है। अब इस बेस पर हम कॉर्पोरेट लॉ को जानेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ आखिर में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत अच्छे से, आई बिलीव कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से लॉ को समझ लिया है। लॉ क्या है? कुछ और नहीं, सेट ऑफ रूल्स हैं विच इज इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन अ कंट्री, राइट। अब बस हमें जो है ना कॉर्पोरेट को समझना है। अगर कॉर्पोरेट समझ लें तो भाई मेरे कॉर्पोरेट लॉ हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लॉ है क्या। आजिए, कॉर्पोरेट लॉ तो ऑलरेडी हमने समझ लिया है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, राइट, विच इज इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट। अब बसती है कॉर्पोरेट की बात। तो कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट किसके साथ डील करता है? कॉर्पोरेट कुछ और नहीं, ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के साथ डील करता है। अभी ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स क्या है, इसे मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। फिलहाल आप इसे बिजनेस वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉ को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। कॉर्पोरेट लॉ को हम मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, बिजनेस लॉ भी कहते हैं, या फिर कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। तो आप कॉर्पोरेट लॉ जब जब आपके दिमाग में आए तो ये बातें भी आप लेकर चल सकते हैं। व्हाट? मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, क्लियर। तो यहां पर अगर हम कंक्लूड करते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ फाइनली क्या है, तो कॉर्पोरेट लॉ कुछ और नहीं, इट इज अ रूल्स विच इज रिलेटेड विद ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो जब जब यहां पर कोई ट्रांजेक्शन होंगे वहां पर ये कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ अराइज होगा। चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए एक मिस्टर जी है और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर जी जो है डियर, यहां पर प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर बी को कि मैं आपको 100 किलो एप्पल जो है दूंगा। मिस्टर बी को इनका ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ₹10,000। ठीक है, आप दे दो, मैं ₹10,000 दे दूंगा। अब यहां पर हो क्या रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक हाथ दे एक हाथ ले। अब हो क्या रहा है? मिस्टर जी क्या दे रहा है मिस्टर बी को? एप्पल। और मिस्टर बी क्या दे रहा है मिस्टर जी को? ₹10,000। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहां पर बिजनेस अराइज हो रहा है। और जिनके बीच में ये ट्रांजेक्शन अराइज हो रहा है उसे कहते हैं मर्केंटाइल पर्सन, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस भाई साहब की भी और इस भाई साहब की भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कोई ना कोई उसकी राइट्स है। अब राइट्स क्या है मिस्टर जी का अगर आप देखें तो राइट क्या है? मिस्टर जी ने कहा था मैं आपको एप्पल दूंगा, आप मुझे बदले में 10,000 देना। तो राइट यहां पर मिस्टर जी का क्या बन रहा है कि आप मुझे एप्पल के बदले में 10,000 रुपीज देंगे, मैं आपको उसके बदले में एप्पल दे दूंगा। यहां पर मिस्टर बी का राइट क्या बन रहा है? मिस्टर बी कह रहा है कि आप मुझे 100 kg एप्पल देंगे तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ₹10,000 दूं। तो अगर आप ध्यान दें डियर, यहां पर इस ट्रांजेक्शन में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं, राइट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज हो रहे हैं। इसी कारण से यहां पर इसे कहा जाता है मर्केंटाइल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम एक सेंटेंस में कंक्लूड करते हैं। तो सेंटेंस यहां पर क्या बन रहा है, देखिए कॉर्पोरेट लॉ कैसे डील कर रहा है, मर्केंटाइल लॉ दैट इज कॉर्पोरेट लॉ डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है इसके बारे में तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार और जिम्मेदारी, क्लियर। इसके लिए भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट समझाएगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कॉर्पोरेट लॉ डील करता है कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कॉन्ट्रैक्ट मींस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो यहां पर जी एंड बी में देखा था। ये जो राइट एंड ऑब्लिगेशन है अराइज कर रहा है मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसके बीच में? ऑफ कोर्स मर्केंटाइल पर्सन के बीच में, दैट इज जी एंड बी। तो डियर मेरे ख्याल से आपको अभी मर्केंटाइल लॉ,
कॉर्पोरेट लॉ आसानी से समझ में आ गया है। इसको सिंपल टर्म्स में ले लें, अगर कोई आपको पूछता है कि भैया मर्केंटाइल लॉ होता क्या है, तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि मर्केंटाइल लॉ यहाँ पर डील करता है मेनली कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन, मेरा अधिकार और मेरी कुछ जिम्मेदारी, क्लियर। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के बीच में होगा, तो उन्हें कहेंगे हम लोग मर्केंटाइल पर्सन, और जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है वो होता है मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन, क्लियर है। तो मर्केंटाइल लॉ में डियर तीन बातें अराइज हो रही हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है दो चीजें हैं, कौन सी, मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन एंड मर्केंटाइल पर्सन। ये जब मिक्सर सामने आपको दिखाई देगा तब अराइज होगा कॉर्पोरेट लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मर्केंटाइल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ समझ में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ, विल बी बैक सून विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन दिल से मेहनत करो, दिल से मंजिल की ओर आगे बढ़ो, ना कभी किसी के लिए बुरा सोचो, ना कभी किसी का बुरा करो, और खुल के अपनी लाइफ जियो। योर मेंटर गोविंद बेलाल।